पहला महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के लिए रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आरा नगर निगम के मेयर रूबी तिवारी ने बताया कि छात्राओं के अंदर के प्रतिभा को जगाने के लिए विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सराहनीय है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। इस तरह का कार्यक्रम केवल और केवल मात्र विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ही कराते हैं। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नेहा कुमारी, द्वितीय स्वेच्छा कुमारी, तृतीय सृष्टि कुमारी, चतुर्थ पूनम कुमारी, मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आलिया कुमारी, द्वितीय रिंकी कुमारी, तृतीय खुशबू कुमारी और चतुर्थ प्रिया कुमारी। मौके पर उपस्थित अनामिका केसरी, श्वेता कुमारी, अंजलि तिवारी, प्रियांशी श्रीवास्तव, बंटी कुमारी, अंकिता राय। महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दो प्रकार की प्रतियोगिता है, एक मेहंदी प्रतियोगिता है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्राओं ने भाग लिया है और सेमिनार हॉल के सामने रंगोली छात्राओं ने बनाया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरा की मेयर श्रीमती रूबी तिवारी जी हमारे साथ हैं और इसमें छात्राओं का की जो प्रतिभागिता है वो महिला कॉलेज के भी और बाहर से भी छात्राएं स्कूली छात्राएं भी मैम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। ठीक प्रतियोगिता में प्रतियोगिता सर ये सब प्रतियोगिता क्लास में होना चाहिए। हम लोगों की जो स्टूडेंट है सब उन लोगों का आर्ट बाहर आता है। एक बात बताइए, काफ़ी लंबे समय के बाद एक तरीके का इस तरह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, अब कॉलेज फिर से पुनः चहल पहल दिख रहा है, तो अब कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, ये सब हो रहा है, सब लोग साथ में हैं। हमको किस क्लास में पढ़ती हैं आप? पार्ट वन में। किस कॉलेज छात्रा हो? हिंदू महिला। ठीक है, अभी तो बच्ची ने लगाया है, बहुत शॉर्ट टाइम में लगा दिया उन्होंने। सजना संवरना हम नारियों का प्रथम काम है तो इसमें लड़कियां हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो भाग ली हैं, तो कुछ अगर किस चीज़ से आगे बढ़ रही हैं तो हमें बढ़ाना चाहिए। लड़कियां हैं वो हर वर्ग से आती हैं और ये चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी हो, तो अगर आगे बढ़ रही हैं तो बढ़ाने का काम गार्जियन को करना चाहिए। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वही जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है, और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा अब तू कहाँ चली? और कहाँ? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।